हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन माय चैनल गाइस। और आज मैं आप सभी के लिए इस वीडियो के अंदर गाइस GSTR 9 की चर्चा करने जा रहा हूँ। कुछ दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था, कुछ प्रॉब्लम की वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा था, ठीक है गाइस। तो आज संडे को मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ। एक भाई की रिक्वेस्ट आई थी, उन्होंने बोला था कि GSTR 9 पे मेरे को एक वीडियो बना के दीजिए। तो गाइस आज की जो ये वीडियो होगी, इसके अंदर मैं आपको थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट को कवर करूँगा और नेक्स्ट वीडियो के अंदर ऑनलाइन हम GSTR 9 कैसे फाइल करते हैं वो मैं बताऊंगा। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो GSTR 9 को भरने से पहले मैं आपके सामने GSTR 9 से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट रखना चाहता हूं। गाइज हमारे पास चार तरह के एनुअल रिटर्न फाइल करने होते हैं हमें। एक होता है GSTR 9, एक होता है आपके पास GSTR 9A, दूसरा होता है GSTR 9B, तीसरा होता है GSTR 9C। GSTR 9 जो होता है नॉर्मल, जो हमारे टैक्स पेयर होते हैं, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हमारे पास जो टैक्सेबल पर्सन होते हैं वो कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो जो उनमें से हमारे नॉर्मल टैक्स पेयर है, जैसे आप सभी अगर बिजनेस कर रहे हैं तो आपको GSTR 9 फाइल करना होगा और पूरे साल का सेल परचेज, आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना बनता है, कितना आपने टैक्स पे करा है, पूरी डिटेल, पूरे साल में आपने कितने इनवॉइस इशू करे, उन सब की डिटेल आपको GSTR 9 में देनी होती है। ये नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन के लिए होता है। GSTR 9A जो होता है गाइस, ये कॉम्पोजिशन, जो डीलर होते हैं कॉम्पोजिशन स्कीम जिन्होंने अडॉप्ट कर रखा है, उनको अपने पूरे साल का रिटर्न फाइल करने के लिए GSTR 9A फॉर्म को यूज़ करना होगा। और जो GSTR 9B है, वो जो हमारे ई कॉमर्स ऑपरेटर टैक्स पेयर होते हैं उनको इस फॉर्म को फाइल करना होगा, ठीक है गाइस। GSTR 9B ई कॉमर्स ऑपरेटर टैक्स पेयर को। इसके बाद बात आती है लास्ट, हमारा जो फॉर्म होता है वो है GSTR 9C। जो हमारे GSTR 9C है गाइस, ये जो है एक तरीके का ऑडिट फॉर्म है। जब आपका टर्नओवर एक स्पेसिफाइड लिमिट के ऊपर हो जाता है, ठीक है, जिसके अंदर गवर्नमेंट ने आपको लिमिट दे रखी है कि अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है, अभी इस बार चेंज हुआ है, पहले ये 2 करोड़ लिमिट थी, 5 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको ऑडिट कराना होगा, साथ के साथ आपको अपनी रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट सबमिट करनी होगी GSTR 9C फॉर्म के अंदर। और ये जो GSTR 9C है गाइज, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट जो प्रैक्टिस में है प्लस जो CMA जो प्रैक्टिस में है वो ही कर सकते हैं। और यहाँ पे ऐसा चार्टर्ड अकाउंटेंट जो इंटरनल ऑडिट करता है या कंपनी सेक्रेटरी CS, उनको अथॉरिटी नहीं दी गई है GSTR 9C के रिगार्डिंग, ठीक है गाइज। तो इसके आगे अगर मान लीजिए आप इन फॉर्म्स को फिलअप करने के लिए लेट हो जाते हैं तो आपको इनके अंदर लेट फीस भी पे करनी होती है, CGST 100 रुपये पर डे के अकॉर्डिंग, SGST 100 रुपये पर डे के अकॉर्डिंग। लेकिन मैक्सिमम आप 0.25% ऑफ द टर्नओवर ही पे करेंगे, ठीक है। मान लीजिए आपका टर्नओवर 1 करोड़ है तो उसका 0.25% उतना ही आप टैक्स पे करेंगे मैक्सिमम, ठीक है गाइज। ये थे मेरे एनुअल रिटर्न जो चार तरह के होते हैं, GSTR 9, GSTR 9A, GSTR 9B, GSTR 9C, ठीक है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं GSTR 9 की, कि GSTR 9 एक्चुअली है क्या। बाकी को भी हम धीरे धीरे कवर कर लेंगे, बट उनमें ज़्यादा कुछ है नहीं गाइज, आगे की एक वीडियो के अंदर मैं आपको साथ के साथ कवर करके बता दूंगा, ठीक है। GSTR 9 की बात करते हैं, तो जो GSTR 9 है गाइज, ये नॉर्मल रेगुलर टैक्स पेयर जो होते हैं उनको फाइल करना होता है, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन से लोग नहीं आएंगे, वही सारे लोग कॉम्पोजिशन डीलर वाले नहीं आएंगे क्योंकि उनको अलग से फाइल करना है, आपको पता है उनको 9A फाइल करना है। जो TDS TCS वाले होते हैं उनको GSTR 9 फाइल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो तो TDS डिडक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है उनको भी GSTR 9 फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, और जो नॉन रेजिडेंट पर्सन है उनको भी GSTR फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, जो हमारे GSTR 9 है। तो ये वो लोग हैं जिनको GSTR 9 फाइल करने की नीड नहीं है। इनके अलावा जो भी पर्सन है सबको फाइल करना होगा GSTR 9, और ये एक एनुअल स्टेटमेंट है जिसके अंदर आपको पूरे साल आपने क्या सेल करा, क्या परचेज करा, उन सब की डिटेल चर्चा आपको देनी पड़ती है।
जैसा कि गाइस आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा GSTR 9 का पूरा फॉर्मेट, आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। ठीक है, इनके अंदर आपके पास पूरा का पूरा आउटवर्ड टैक्सेबल लाइबिलिटी कितनी है, आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना ले रखा, आपका टोटल परचेज कितना है, ठीक है, परचेज के अंदर आपका 0% कितना, एग्जैम्प्ट कितना है, उन सब की डिटेल आपको देनी होती है। HSN कोड वाइज समरी देनी होती है अपने प्रोडक्ट की। अगर आपने कोई क्रेडिट नोट डेबिट नोट इशू करा है तो उस या अमेंड करा है तो उनसे रिलेटेड आपको डाटा देना होता है इसके अंदर। तो ये सारे आपके GSTR 9 में डिटेल जाती है गाइज। अब बात कर लेते हैं GSTR 9 की ड्यू डेट क्या होती है। तो जो GSTR 9 है गाइज, उसकी ड्यू डेट जो होती है वो 31 दिसंबर होती है ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। मान लीजिए कि ये जो हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर है, फाइनेंशियल ईयर 2020 और 21, इसका जो GSTR 9 जाएगा गाइज वो 31 दिसंबर 2021 तक जाएगा। ठीक है, तो 31 दिसंबर तक आपको अपने प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर 2021 का एनुअल रिटर्न फाइल करना है। उससे पहले आप कभी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये मैक्सिमम लिमिट है। इसके बाद गाइज अब हम इसी वीडियो के अंदर, थोड़ा सा टाइम हमारे पास बच गया तो हम एक वीडियो मतलब एक और फॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं, GSTR 9C के बारे में। जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूँ पीछे, GSTR 9C जो है गाइज ऑडिट और रिकंसिलेशन पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। गवर्नमेंट ने लिमिट लगा रखी कि अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको GST ऑडिट कराने की नीड है, अदरवाइज आपको GST ऑडिट नहीं कराना। ठीक है, और GST ऑडिट कौन कर सकता है गाइस? चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो प्रैक्टिस के अंदर है। ऐसा चार्टर्ड अकाउंटेंट जो इंटरनल ऑडिटर है या कंपनी सेक्रेटरी, उनको ऑडिट करने की पावर नहीं दी गई है। ठीक है, तो आप GSTR 9C के फॉर्म में क्या करेंगे, अपना रिकंसिलेशन बना के अपने ऑडिटर को दे देंगे और ऑडिटर उसको क्रॉस वेरीफाई करके ऑडिट करके स्टैंप लगा के आपका रिटर्न सबमिट कर देगा। ठीक है गाइज, अगर आपको GSTR 9C सीखना है कि ये कैसे बनाया जाता है तो आप वो बताइएगा, वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ये हमारी जो थी गाइज वो थी GSTR 9 की सीरीज़ जो मैंने आपको यहाँ पे बताई, GSTR 9A, GSTR 9B। ये इसमें कुछ भी नहीं है, कंपोजिशन स्कीम के लिए 9A और 9B है ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए, तो आप इनको आराम से देख सकते हैं। आई होप गाइज आप सभी को वीडियो पसंद आ रही है और थैंक्स अ लॉट गाइज, मेरे सब्सक्राइबर आज करीबन 300 प्लस हो चुके हैं। बहुत ही जल्दी और कम टाइम में आपने इतना प्यार दिया चैनल को, थैंक्स अ लॉट। ऐसा ही प्यार दिखाइए गाइज साथ के साथ, मैं आपके साथ हूँ, आप मेरे साथ हैं, हम यूं ही चलते रहेंगे। और कोई भी प्रॉब्लम आप कभी भी व्हाट्सएप कर दीजिए, कोशिश करूँगा आपको मैनेज करके, टाइम मैनेज करके आपको रेस्पॉन्स दूँ। ठीक है गाइज, तो आप सभी सही होंगे, अच्छे रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, बिजनेस को ग्रो करते रहिए। ठीक है गाइज, और अपने लाइफ को ऐसे ही सिंपल बनाते रहिए और कुछ एक्स्ट्रा करते रहिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम आपसे चर्चा करेंगे कि GSTR 9 को हम ऑनलाइन कैसे फाइल करते हैं, और कुछ एक्सेल्स की ट्रिक्स को लेकर भी आऊँगा गाइज, जो आप डेली बेसिस पर एज एन अकाउंटेंट या एज एन ऑफिस वर्क करते हैं तो आपको नीड होती है। साथ के साथ टैली जो हमारे कॉन्सेप्ट है उसको भी आगे कंटिन्यू करने की कोशिश करूँगा। ठीक है गाइज, जैसे जैसे टाइम मिलेगा TDS, इनकम टैक्स, GST पे और लेक्चर्स फटाफट से बना के डालूंगा आप सभी के लिए। और गाइज अगर आप में से किसी को पर्सनल कंसल्टेंसी चाहिए या आप अकाउंटिंग मेंटेन करना चाहते हैं मेरे साथ बहुत ही लो कॉस्ट बजट पे, तो आप मेरे को कंसर्न कर सकते हैं, मैं आपकी अकाउंटिंग करके दे सकता हूँ आपको बहुत ही कम टाइम के अंदर। या GST वगैरह की रिटर्न्स वगैरह आपको फाइल करवानी है, इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करवानी है मिनिमम लो कॉस्ट के अंदर, तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है गाइज, उसके लिए भी मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो एक बार फिर से थैंक्स अलॉट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय गाइज।